हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष मंडोल। आप लोग देख रहे हैं व्हाट इफ, और आज हम फिर से आ चुके हैं टेक न्यूज़ के एक नए एपिसोड पे। और आज है 16 तारीख, कल था 15 तारीख। और आप सब लोगों को पता है कल रियलमी ने अपना 2 फ़ोन रिलीज़ किया है, एक है रियलमी एक्स और दूसरा है रियलमी 3i। और आज हम रियलमी 3i के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे इसकी प्राइस क्या है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, प्रोज और कौन, और ये कैसा है, और ये आपको कब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिर चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 6.22 इंच की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसमें आपको ऊपर की तरफ एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है, और नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी चिन मिलती है, और इसके साथ साथ आपको इसमें बेजल बहुत ही कम मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे की तरफ यानी बैक पैनल पे। तो इसमें आपको एक डायमंड का डिज़ाइन मिलता है, जो देखने में तो ग्लास की तरह है, लेकिन ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है। इस और ये पॉलीकार्बोनेट बैक आपको ग्रेडियंट फिनिश के साथ मिलता है, और इस बैक के ही पीछे आपको बैटरी और प्रोसेसर कहीं छुपे हुए मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 9 पाई मिलता है, जो रियलमी का खुद का OS ColorOS 6 पे बेस्ड है। और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ColorOS 6 में आपको कोई तरह का ऐड नहीं मिलता है। इसके साथ साथ आपको इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही सपोर्ट मिलता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ। इसमें आपको 4230 mAh की एक बैटरी मिलती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, और ये बैटरी आपको लगभग 1 दिन का प्लेबैक टाइम जरूर दे देगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ। इसमें आपको मीडियाटेक का Helio P60 का प्रोसेसर मिलता है, जो मेरे ख्याल से एक बजट फ़ोन में बहुत बढ़िया है, और रियलमी 3 में Helio P70 लगा हुआ है, और ये 70 का एक डाउनग्रेडेड वर्जन है Helio P60। और Helio P70 और 60 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ थोड़ा सा ही है, लेकिन Helio P60 की बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। और इसके साथ साथ आपको इसमें माली का 72 MP4 का GPU chipset मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में। इसमें आपको 30 MP की एक सेल्फी मिलती है, जिसमें आपको F2.0 का एपर्चर मिलता है, और इसमें आपको नाइटस्केप और क्रोमा बूस्ट दोनों का ये फीचर मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे की तरफ। इसमें आपको पीछे की तरफ डबल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 30 MP का, जिसका एपर्चर है F1.8 का। इसमें आपको 2 MP की एक सेकेंडरी कैमरा मिलता है, जो बुके इफेक्ट के लिए काम करेगा, इसका एपर्चर है F2.4 का। और पीछे कैमरा में भी आपको नाइटस्केप और क्रोमा बूस्ट दोनों का एक फीचर मिलता है। और मैंने इस कैमरा की पिक्चर क्वालिटी को चेक किया है, और ये बहुत बढ़िया देते हैं। एक बजट फोन प्राइस रेंज के फ़ोन में इतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी देना एक बहुत बड़ी बात है। तो अब हम इस वीडियो के सबसे अहम जगह पे आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो फ्लिपकार्ट से जो टीज़र आया था, और मेरे कुछ सर्च के बाद मुझे ये पूरी तरह से कन्फर्म है कि जो रियलमी 3i का डाउनग्रेडेड वर्जन यानी 3GB 32GB का जो वेरिएंट है, ये आपको 7,999 रुपये यानी 8,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद। और इसका जो हायर वेरिएंट है यानी 4GB 64GB, ये आपको 10,000 यानी 9,999 रुपये से मिलना शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद। और मैंने अभी मेरे जो ओपिनियन थे आपको बताए, और मेरे ख्याल से ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर इस चैनल को जल्दी से नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए,
और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई टेक से जुड़ा नई अपडेट या फिर टेक न्यूज ले रहा हूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। और इस वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी Realme 3i के बारे में पता चले और वो भी चाहे तो ये फ़ोन खरीद सके। वैसे मैं ये फ़ोन खरीदने वाला हूँ कुछ दिन बाद, देखते हैं कब ये जब अवेलेबल होगा मैं ज़रूर फ़ोन खरीद के आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।